आइए मोहन जी, ये भी हमारे मिथिला में काफी बढ़िया मुहिम चला रहे हैं, रिक्वेस्ट मैं उनको भेज चुका हूँ। अरे कहिए, कैसे हैं मोहन जी? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। अरे अरे अरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आप लोगों को। एक्चुअली ये मोहन जी नाम है इनका, ये मिथिला में हमसे इंस्पायर्ड होकर, मगहिया जवान से इंस्पायर्ड होकर, प्रेरित होकर ये वहां पे एक मुहिम चला रहे हैं, और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मिथिला के भी कलाकार हैं जो अश्लील गाते हैं, तो मैं इनको सजेस्ट किया कि अगर आपसे संभव है तो प्रयास कीजिए। और ये बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, जितना कहूं कम है, ये बहुत बढ़िया मुहिम चला रहे हैं अपने क्षेत्र में। आपको भी दिल से सैल्यूट मोहन जी, जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और सब बताइए, बढ़िया है? बढ़िया, कहिए क्या क्या कठिनाइयां आपको आ रहा है, लोगों से शेयर कीजिए बातों को। कठिनाइयां तो कुछ कुछ इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, जो लोगों का कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी धमकियां आ रही है, जिसके वजह से अपने आप को फिर भी लगने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। फिर कोई वाले सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और अपने समाज के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं, तरह तरह के टिप्पणियां बोलते हैं, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है, इस सब सिर्फ जी बर्बादी का कारण है, इस सब से तुम्हारा लाइफ कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे समाज से अश्लीलता खत्म नहीं हो सकता। बट वो लोग बोलते हैं कि आज से पहले तू भी अश्लील गाना सुनता था, तू भी गाता था। बट हम उन लोगों को यही जवाब देते हैं कि मुझे आप ये बताइए, क्या एक नशेबाज इंसान अच्छा इंसान कभी नहीं बना है? क्या क्या एक जुआरी इंसान सही इंसान नहीं बना है? कि बना है। यदि कोई एक नशेड़ी एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक जुआरी एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो फिर एक अश्लील गाने गाना वाला सिंगर अच्छा गाना क्यों नहीं गा सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जहां और तक बात, बहुत बढ़िया बात आपने रखा कि क्या एक नशेड़ी आम नशा छोड़कर आम आदमी बन सकता है, या जुगेड़ी कभी आम आदमी बन, बिल्कुल बन सकता है, हर लोग बन सकता है। ये अश्लील कलाकार भी अगर चाहे, बहुत लोग चाह भी गए हैं, देख रहे हैं आप, वादा भी कर दिए हैं, और मुझे भी उन पे पूर्ण विश्वास है और जी दिल जी से विश्वास कर रहे हैं कि सुधार आएगा, तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन चाह नहीं रहे हैं उनको, हम लोग चाहेंगे। और जहां तक जरूर जरूर धमकियां की बात है मोहन जी, तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपका मिथिला नहीं, पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड आपके साथ है। कभी भी कोई तकलीफें हो, हम तक बताइए, समर को बताइए, मगहिया परिवार को बताइए, पोस्ट शेयर कीजिए, लोगों को टैग कीजिए, क्योंकि कठिनाइयां बहुत आती है मोहन जी से। घबराना नहीं, हताश नहीं होना है। मुझे भी बहुत सारी धमकियां है, बंदूक का फोटो, रिवॉल्वर का फोटो, गालियां, बहुत कुछ आता था, धमकियां, कहां मिलोगे, पर हम चलना बंद नहीं कर देंगे, अपना काम सही नहीं बंद बात है। करेंगे। इससे घबराना नहीं, हताश नहीं होना है। इन लोग बस इतना ही चाहता है कि इन लोग के रास्ता को रोके, रुकना नहीं है मोहन, याद रखो, ये भाई तुम्हारे साथ है पूरा, पर हमारा परिवार तुम्हारा परिवार साथ जरूर है, जरूर और इन लोग की कोई औकात और हैसियत नहीं होती है। इन लोग जो गुर्गे होते हैं ना, फर्जी का आईडी बना के लोगों को फ्रस्ट्रेट करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, दबाव बनाते हैं चीजों को, तो इससे और हम घबराना हर नहीं एक है। अच्छा कर रहे हो, कैरी ऑन। सपोर्टर से यही बतलाना चाहेंगे कि जो आप लोग सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा शायर है, कहा जाता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं हाँ ही हाँ नहीं हाँ मिलती बहुत राही को बढ़िया, मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना इनका पड़ता है। तिनका उठाना पड़ता है। अरे तो बहुत बढ़िया, इससे बहुत हम ये सुंदर, समझाना चाहते हैं अपने सपोर्टर सबको कि जब समर भैया और गौतम भैया जब इस मुहिम को स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय सिर्फ हमारे 0 पेज पे 0 फॉलोवर था, 0 व्यूज था, हर एक चीज था, बट तिनका 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 उठा उठा करके आज लाखों में, 10 लाख में, 20 लाख में आज व्यूज जा रहा है। इतना बड़ा परिवार है, जिस परिवार से आज मुझे नजर लग आ रहा है कि जिस बदौलत आज हमारे समाज में जितनी आज तेजी से जो अश्लीलता आज वर्षों वर्षों से कोई खत्म नहीं कर पाया, मगर आज 3 महीने के अंदर में आज हमारे माँ बहन इज्जत के लिए जो आज ये मुहिम चला, जिसके बदौलत आज हमारे समाज में 95% अश्लील गाना बजना अब बंद हो चुका है। और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि वो भी गाना बंद हो जाएगा। बट कुछ भड़वे लोग ऐसे हैं जो लोग उंगली करना जानते हैं, उनको तो कुछ बतलाना, तो क्या बोले, बोलने का तो बहुत मन करता है, मगर हम मोहन उसके मोहन जैसे मोहन, बोलने की कुछ संस्कारहीन। आवश्यकता नहीं है, कहावत है कि इशारे इशारे में ना लोगों की औकात पता चल जाती है। मैं बताऊं, जो गालियां देते हैं ना हमें,
मैं मानता हूं कि मेरे कमेंट में 100 में से 90 गालियां होता है, मैं देखता हूं, मानता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन उसमें शकल देखना, सब नाजायजों की पैदाइश रहते हैं, और सारे प्रोफाइल, सारे का लॉक रहता है, खेसारी और पिताजी वही का फोटो ना आज रहता अब है। लॉक उसको हम भरवे का ये बोलना चाहेंगे कि कहावत है अपने मिथिलांचल में भोजपुरी में भी कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, मगर उस कुत्ते की उतना औकात नहीं है कि उस हाथी के सामने में आके भौंके। वो कुत्ता जान रहा है कि यदि मैं हाथी के सामने में जाऊंगा तो कुचल देगा मुझे। ठीक उसी प्रकार वो साला प्रोफाइल ऑन करके गाली देना, तब न समझूंगा कि तू साला माँ का दूध पिया है। नहीं प्रोफाइल नहीं को तो नहीं लॉक करके औकात है, गाली नहीं दे रहा है। औकात है, नहीं औकात है, ठीक जब कुत्ते है जो है ना वो कुत्ते हैं ना, कुत्ते का ही दूध पिए हैं, कुतिया का ही पिए हैं दूध, तो नहीं आ सकते ना, मुझे पता है, मुझे जानकारी है चले, ना, नहीं बहुत आ बहुत सकते। अरे धन्यवाद आप मुझे इस मुहिम में जोड़ने के लिए। बहुत और मैं बहुत शुक्रिया, सभी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी फ्रेंड से यही कहना चाहूंगा कि आज मैं भैया को देख करके, समर भैया, गौतम भैया को देख करके आज मैं इस मुहिम को छेड़ रखा हूँ। मेरे पेज का नाम अश्लीलता मुक्त भारत है और मैं भी मिथिलांचल में इस अभियान को शुरू कर चुका हूँ और काफी दिनों से बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है। और मैं मोटिव जब जब भी मुझे परेशानी आती है ना, तब तब हम समर भैया का और गौतम भैया को याद करते हैं और अपने आप में एक ही बात सोचते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। वाह वाह, असफलता एक एक चुनौती है, चुनौतियों से उसे स्वीकार स्वीकार करो, बिल्कुल। करो। क्या रह गया था कमी, देखो और सुधार करो। अरे जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता कार और नहीं कोशिश होती करने और वालों को कोशिश कभी करने हार वालों नहीं की कभी होता। हार नहीं होती। अरे और बहुत ये जो बढ़िया, कोशिश कर रहे, हमारा जो परिवार है ना, झंडा गाड़ के दिखाएंगे। और एक बहुत सुंदर, एक पवन सिंह का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। उसने एक गाना आया था कि आरा के आवारा तो से चैलेंज करके देता ना, तो उस पे हम बतलाना चाहेंगे कि बिहार के आवारा तो से चैलेंज करके देता ना और अश्लीलता के जड़ से ना फेंकनी तो एक बाप के बेटा ना, ये वादा हमारा। अरे वाह, ठीक बहुत ठीक है। बढ़िया, और जड़ से जाहिर सी बात फेंकेंगे, और आप है, लोगों का समर्थन रहा और इतना प्यार रहा, तो एक दिन बिल्कुल जड़ से फेंकेंगे। और हम तो कह चुके हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, झुका चढ़ सकते नहीं। जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक हिम्मत और साहस रहेगा, अश्लीलता को मिटाकर ही दम लेंगे। जरूर जरूर जरूर, एकदम पूरा चलिए समर्थन शुक्रिया, है और लोगों को दिल। जोड़ते हैं मोहन जी, बहुत बढ़िया लगा, आप हमारे साथ लाइव जुड़े ना, बहुत बढ़िया लगा।